मजलिस में पार्टी वर्करों को मुतहर करने के लिए इस्लाहात हों तो बेहतर होगा। तंजीमी अहदेदारों और कारकनों की कारकर्दगी पर तिरछी नज़र रखना ज़रूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौमी सतह पर इंतहाई पुरअसर अंदाज में मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद कर रही है, बल्कि निचली सतह पर अपने हलकों की कारकर्दगी पर नज़र भी रखती है। लेकिन आज हलका असम्बली नामपल्ली में सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन अवैसी साहब के दौरों में मुख्तलिफ तरीक़ाती कामों की इफ्तिताही तकारीब में आवाम की कम होती हुई तादाद नज़र आई, जिसे शायद सदर मजलिस ने भी महसूस किया होगा। सदर मजलिस ने इस दौरे में ज़्यादा बात तो नहीं की, बल्कि उन्होंने एक इशारा ज़रूर दिया है कि पार्टी के कारकुन और अहदेदार अपना अपना तर्ज अमल दुरुस्त कर ले और अवाम में मुतहरिक हो जाएं। गुज़िश्ता चंद दिनों से सदर मजलिस और क़ायद मुक़न्नना जनाब अकबर उद्दीन नवेसी ने पार्टी क़ायदीन बिलखसूस अरकान बल्दिया व इब्तदाई सदूर को हिदायत भी जारी की होंगी कि वो गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलविस ना हो और मामला वारियों से दूर रहे, हक और इंसाफ के मुताबिक काम करें। कई जगहों से आवाम के दिलों की धड़कन जमात और इसके जान निसारों ने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को जमात और कौम मिल्लत के लिए वक्फ कराया है, जिसके सम्राट भी आवाम ने देखे। लेकिन आज पार्टी कारकुनों में जज्बे का फुकदान नज़र आता है। अरकान बल्दिया इब्तदाई सदूर में तालमेल की कमी नज़र आती है, जिसकी वजह से आवाम पार्टी की सरगर्मियों में पहले की तरह जज्बे से सरशार नज़र नहीं आती। अनकरीब तेलंगाना इंतखाबात में अपने आबाई मुकाम पर पार्टी बेहतर मुजाहरे की तवक्कु रखती है, जो मुल्की सतह पर सदर मजलिस ने यका व तन्हा नुमाइंदगी पेश की है। ये कहना बेजा ना होगा कि मुल्की सतह पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ असदुद्दीन अवैसी ही समझे जाते हैं, लेकिन इसके साथ मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो धमाकों सूरत हाल तैयार की जा रही है और मुसलमानों के तहफ़ुज़ के लिए जो अंदेशे पैदा हो रहे हैं, इस मामले में कोई लाहिया अमल तरतीब दिया जाए तो बेहतर होगा।